हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, रण महादेव। और बताइए आप लोग कैसे हैं, कमेंट करोगे जरूर बताइएगा। और देख सकते हैं कि हम छत पर आए हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए। अब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो कुछ करने का इच्छा भी नहीं करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस टाइम वीडियो भी नहीं सही से हम अपलोड कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो गया है। आइए देखिए मेरे को लाइट है कि नहीं। अभी लाइट नहीं है क्योंकि मेरे घर अभी जस्ट लाइट कट गया है। कोई बात नहीं क्योंकि हम लोग के यहाँ लाइट उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं, नॉर्मली प्रॉब्लम है। जैसे ऐसे ही आते जाते रहता है लाइट दिन भर हम लोग के यहाँ। और हम लोग का इन्वर्टर भी ख़राब हो चुका है। देखिए गंगा जी हम लोग किस तरफ हैं, देख सकते हैं वहाँ पर, वहाँ पर हम लोग का गंगा जी भी बहुत पास ही में है, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पवारी बाबा का मंदिर है, गंगा जी भी हैं और यहीं पर हम लोग का घर भी है। और इस टाइम हम लोग, अब मेरा पेपर भी स्टार्ट होने वाला है, बहुत प्रॉब्लम हो गया हमको तो लग रहा है। पढ़ाई करना, उसी में फाइल कंप्लीट भी करना हम लोग को। हो सके तो मेरा वीडियो भी कुछ टाइम कम जाएगा, लेकिन जो भी जाएगा, कुछ भी जाएगा, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट किया करिए। क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी हौसला और हिम्मत बना रहेगा। मेरी सोशल मीडिया मेरे साथ है, मेरे साथ चलती है, मेरे हर एक मुसीबत पे आप लोग खड़े रहेंगे, तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। मैं फ्रेंड को सही से बोल नहीं पाई क्योंकि मेरे दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा है। कई दिन से चॉकलेट और टॉफ़ी की वजह से, तो आप लोग भी चॉकलेट और टॉफ़ी मत खाया करिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाती थी। जानते ही बच्चों को असर मीठा पसंद होता है। वैसे भले हो गए बड़े, लेकिन दिमाग मेरा छोटे से बच्चे जैसा है, हरकत भी वही करते हैं। देखने में भले ही बच्चा बड़ा रहता है, लेकिन उनकी माँ और पापा के लिए वो बच्चा बच्चा ही रहता है। जैसे कि मैं इतने बड़े हो गए हैं ना, फिर भी मेरी मम्मी नहलाना धुलाना खाना पीना हर एक चीज़ करती है मेरे लिए, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। पढ़ाई लिखाई हर एक चीज़ करने देती है, यहाँ तक कि किसी को सब लोग के घर बोलते हैं कि मेरी मम्मी तो खाना के लिए हर एक चीज़ के लिए डांटती रहती है कि ये बना वो बना, लेकिन मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ सर, कि जैसे ये नॉर्मली बात है, घर पे एक वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, घर का खाना बनाना और पीना सब करना चाहिए। घर में सब चीज़ करना चाहिए सभी लोग को, क्योंकि ये सब जरूरी। लेकिन मुझे भी आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, भले मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन मुझे आता है घर कैसे चलाना है, घर कैसे संभालना है। सब मेरे माँ बाप मुझे सब बताए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे सोचने का और समझने का हर चीज़ का बुद्धि दिए हैं और हर एक चीज़ मुझे समझाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, समाज में चलाते हैं, सब कुछ वो लोग बताते हैं कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो कृपया करके आप लोग जितना भी समझदार हैं, आगे समझ जाएंगे बातें। खैर, जो बात नहीं समझ में आता है वो हम गलती करते रहते हैं, तो आगे बताने के लिए, गलती को सुधारने के लिए मेरे माँ बाप, अदर लोग, आप लोग है ना, मुझे समझाएंगे, बताएंगे ये करना है वो करना है। 1000 गलती हो या 50 गलती, तो गलती होता है, लेकिन आप लोग को समझाया, आप लोग समझा सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हमको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो वही गलती बार बार करते रहे। समझाने का भी हर एक तरीका होता है, अभी ज़रूरी नहीं किसी को मार कर रुला कर या
कुछ करके डिप्रेशन में डाल के किसी को समझाएंगे तो वो नहीं समझेगा और उससे वो अधिक बिगड़ जाएगा। आप लोग ऐसा ना किया करिए। आप लोग अगर अपने बच्चे को समझा रहे हैं तो प्यार से समझाइए, कोई भी बात भी समझाइए। प्यार से दुलार से नहीं समझ रहा है तो थोड़ा से, पता है ना, जब सीधी उंगली से घिनना निकल रही उंगली थोड़ा टेढ़ी करना चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा नहीं थोड़ा से ही डांट लगाइए, क्योंकि बच्चे अगर प्यार समझाएंगे तो समझ जाएंगे, ज़्यादा डांट लगाएंगे तो वो नहीं समझेंगे और बिगड़ जाएंगे और अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी बात जहाँ अच्छी लगी हो या खराब लगा उसके लिए सॉरी। बाय बाय।